मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के झाबुआ रतलाम अलीराजपुर के सांसद गुमान सिंह डामोर साहब। कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम उनसे चर्चा करेंगे, काफ़ी वक्त भी हो गया है, करीब एक महीने बाद मौका मिला है उनसे इंटरव्यू करने का। सर, आप दिल्ली जा रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, क्या खास रहने वाला है? मेरे लिए झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम का विकास, यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें मेरा पूरा फोकस रहेगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में झाबुआ में एक मेडिकल कॉलेज खुले। ये मेरी सबसे एक महती योजना है और इस योजना पे मैं काम कर रहा हूँ। सर, बीजेपी पर यह आरोप है, आप पे आरोप कांग्रेस की ओर से है कि सवा साल में आपको ट्रेन मेघनगर में नहीं रुकवा पाए, ऐसे सोशल मीडिया पे कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, जो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं उनको रेलवे की कार्यप्रणाली का ज्ञान नहीं है। हमारा जो वेस्टर्न रेलवे है, इस वेस्टर्न रेलवे का जो ट्रैक है उसका बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड वो ट्रैक है और हम कोशिश कर रहे हैं, इसका बहुत परीक्षण होता है और मैंने मेघनगर, बामनिया और अन्य जगह थानला रोड पे भी ट्रेनें रोकने के मांग पत्र रेलवे मंत्री को दिए हैं और मेरे पास चिट्ठी है कि साहब, हम आपने जो मांग दी है उसका हम परीक्षण कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर जनगणना के दौरान किसी ने ये कोशिश की कि आदिवासियों को दबाव बना के हिंदू लिखवाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अगर ऐसा कहा है तो ये उनका बयान अच्छा नहीं है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। आदिवासी मूलतः हिंदू है और हिंदू व्यक्ति हिंदू नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा वो? हम किसी गैर हिंदू को हिंदू लिखने के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं और ये तो एक विकल्प है और ये विकल्प जनता को उपलब्ध है, तो इसमें कमलनाथ जी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर कमलनाथ जी को भारतीय संस्कृति का ज्ञान है तो आदिवासी समाज सनातन धर्म से आज से नहीं हजारों वर्षों से जुड़ा हुआ है और सनातन धर्म का वाहक ही आदिवासी समाज है। अगर आप त्रेता युग से देखेंगे तो आपको पता लगेगा भगवान श्री राम के वनवास के समय में सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों ने भगवान राम का साथ दिया था, वनवासियों ने साथ दिया था, चाहे वो उनके वनवास के दौरान रहने की बात हो, माँ शबरी के बेर खाने की बात हो, रावण के ऊपर लड़ाई चढ़ाई की तब पूरी वनवासी सेना भगवान श्री राम के साथ थी। द्वापर युग में आप आकर देखेंगे तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को जो मोक्ष दिलाया वो भी आदिवासी था, एकलव्य आदिवासी था। तो ये सब आज से थोड़ी हम हजारों वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये कोई ये कहता है कि आदिवासियों को हिंदू धर्म लिखेंगे तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये तो बहुत बचकानी बात है। जीतू पटवारी ने लेकिन कहा है कि आदिवासी हिंदू होते हैं, लेकिन ये भी कहा है कि संघ दबाव क्यों बना रहा है? नहीं, देखिए, जब जीतू पटवारी ने बोला कि राम राम तो सबने राम राम बोला, अपन कौन है तो सब आदिवासियों ने बोला कि हम हिंदू हैं, तब उसको मजबूरी में ये बोलना पड़ा कि आदिवासी हिंदू हैं। पर अगर आदिवासी हिंदू है तो हिंदू लिखने में क्या आपत्ति है? अच्छा, आपको इसके पीछे कुछ सियासत नज़र आती है कि आदिवासियों को हिंदू से हटके कोड दिया जाए, कई संगठन ऐसी मांग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, क्या है कि हमारे देश में जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो हिंदुत्व को मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। उनका ये वो ये प्रचारित करना चाहते हैं कि इस देश में, विशेषकर भारत देश में, हिंदू बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है। तो जब जनगणना होगी और हमारे जो आदिवासी समाज है ये करीब 10-12 करोड़ है पूरे देश में, 12 करोड़ के आसपास आज आदिवासी समाज है, तो ये 12 करोड़ जनसंख्या को कम करना चाहते हैं, ये इनका एक मकसद है और विश्व के दूसरे देशों को ये बताना चाहते हैं कि नहीं, ये हिंदुओं का देश नहीं है, ये बताना चाहते हैं। जबकि भारत, पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू रह सकते हैं और हिंदुओं का देश अगर हम कहें तो ये एकमात्र देश भारत है। अच्छा, सीएम साहब ने कहा है, कमलनाथ जी ने, कि एनपीआर और जो सीए है वो मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे और उन्होंने इस बकायदा एक अधिसूचना भी जारी कर दी है, कैसे फिर ये लागू होगा? देखिए, सीएए, एनपीआर, ये सब हमारे इस देश की जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए है, हमारे देश के विकास की योजनाओं को लागू करने के लिए है। अगर हम ये लागू नहीं करते हैं
तो हमारी सुव्यवस्थित विकास की कोई योजना लागू नहीं हो सकती है। अगर कमलनाथ जी ने केंद्र शासन के आदेशों का पालन नहीं किया या उनकी वजह से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो कमलनाथ जी के विरुद्ध संविधान का जो हमारे आर्टिकल 356 है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। तो आपने डामोर साहब को सुना, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आदिवासी हिंदू हैं और इसके नाम पर सियासत हो रही है। लेफ्ट पार्टियों की ओर उनका इशारा था, लेफ्ट आइडियोलॉजी की ओर उनका इशारा था। साथ ही कमलनाथ सरकार को इशारों में उन्होंने चेतावनी भी दे दी कि CAA और NPA लागू नहीं किया तो उनकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। झाबुआ जिले की खबरों को देखने के लिए बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।